Hey, what is guys back again with another video and this is not a review video. सीधा सीधा इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों आपको ये OnePlus के Bullet Wireless Z या फिर Z खरीदने चाहिए इन 2021 या फिर आने वाले साल में भी, और ये बताने के लिए मैं क्यों क्वालिफाइड हूँ ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि मैं इन्हें पिछले एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे यूज़ केसेस हैं पिछले साल हर एक दिन रेगुलर जिम में, सोते वक्त और घर में फुल टाइम, मतलब कि घर में मैं इन्हें 10 से 15 घंटे डेली यूज़ करता हूँ अपने स्मार्टफोन में या फिर अपने लैपटॉप में, और अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा होता तो घर में कोई और यूज़ कर रहा होता है। तो इन सभी का एक्सपीरियंस मिला के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्यों आपको ये OnePlus Bullet Wireless G या फिर जेड खरीद लेने चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है या फिर पेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। OnePlus का ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, मेरी लाइफ में, मेरे वर्क फ्लो में काफ़ी फिट बैठता है। शायद आपके में बैठे या फिर ना बैठे, वो आपको मेरे आर्गुमेंट सुन के पता लग जाएगा और उसके बेसिस पे आप सोच सकते हैं कि ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके बेस्ट फीचर और मेरा पर्सनल फीचर शायद आपको ना लगे, बट इसने मेरी लाइफ को आसान किया हुआ है और मैं सोचता हूँ कि ये फीचर हर एक वायरलेस डिवाइस में होना चाहिए। दिस इज़ अ मस्ट फीचर, वो है ये बटन। इस बटन से होता क्या है, आपके दो डिवाइसेस में आप स्विच कर सकते हैं सिर्फ डबल क्लिक से, और मेरी आधी लाइफ मतलब कि दिन में 24 में से 12 घंटे लैपटॉप पे जाते हैं, और बीच में अगर मुझे कुछ वीडियोस या फिर कुछ देखना हो अपने स्मार्टफोन पे, मुझे अब स्विच करने के लिए कुछ ऑन टर्न ऑफ डिसकनेक्ट कनेक्ट नहीं करना, जस्ट डबल क्लिक करना है। स्प्लिट सेकंड में मैं कनेक्टेड हूँ अपने स्मार्टफोन में, डबल क्लिक के स्प्लिट सेकंड में मैं कनेक्टेड हूँ अपने लैपटॉप में। तो बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, और जो है इसके ये मैग्नेटिक स्विच ऑन एंड ऑफ। इसने भी लाइफ को इतना आसान कर रखा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जिम में आप भी जाते होंगे, अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं और सामने से कोई आ रहा है तो आपको एयरफोन निकालोगे, आप उसकी बातें सुनोगे, इतने में आपका जो म्यूज़िक का बेस्ट पार्ट है वो निकल जाएगा। बट इस एयरफोन में वो केस नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही मैं एयरफोन को निकालोगे ना, जस्ट आपको चिपका दीजिए, आपका म्यूज़िक स्टॉप हो जाएगा, आपका जो एयरफोन है वो ऑफ हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा, आपकी बैटरी लाइफ बचाएगा। तो आगे बात करें इसके जो कि है नेक्स्ट फीचर, माई अनदर फेवरेट फीचर अबाउट दिस एयरफोन, और वो है इसकी बैटरी लाइफ। मतलब पेपर पे तो बताते हैं कि आप इसे 5 मिनट चार्ज कीजिए आपको 10 घंटे बैटरी देगा। पर्सनल यूज़ केसेस में मैं बताऊँ, मैं बिल्कुल इसे डेड करके मैंने इसे 1 मिनट लगाया और 3 घंटे से ज़्यादा मैंने इसे यूज़ किया। तो इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या फीचर्स दूँ, बट स्टिल वी हैव सम मोर फीचर्स। आगे बात करते हैं, अगर आपका मन अभी भी नहीं भर रहा है तो इसके कंट्रोल्स एंड बटन्स की, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन प्ले पॉज लॉन्ग प्रेस पे गूगल असिस्टेंट ओपन होता है, मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें माइक्रोफोन भी मेरा पर्सनल फेवरेट और मेरे लिए शायद डील ब्रेकर हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मोस्टली टाइम कॉल्स एंड मीटिंग्स पे जाता है लैपटॉप पे, तो मेरे लिए अच्छा माइक्रोफोन होना एक मस्ट फीचर है किसी भी वायरलेस एयरफोन में। तो ये सारे फीचर्स हैं। इसके बाद भी आपके दिमाग में थोड़े भी डाउट हैं तो आप शायद आप एयरबड्स खरीदना चाहते हों तो आप शायद ये ना कंसिडर करें, बट आपको नेकबैंड खरीदना है और 2000 के प्राइस पॉइंट के अंदर खरीदना है तो इससे बेटर डील आपको नहीं मिल सकती, और ये मैं बोल रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद। हाँ, ऑडियो क्वालिटी के बारे में थोड़ा मैंने बताया नहीं, बट ऑडियो क्वालिटीज़ की जो भी ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में मैं मतलब पर्सनल फीचर ऐसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा म्यूज़िक सुनता नहीं हूँ, बट म्यूज़िक मैंने जो टेस्ट के इसमें आपको बेस मिलेगा, अगर बेस आपको ज़्यादा चाहिए तो बेस एडिशन भी है, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, और चेक कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के थोड़ा सा ऊपर रेड बटन है सब्सक्राइब का, वो भी क्लिक कर देना, लाइक का बटन है वो भी कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।